बरेली में चौकीदार वेलफेयर एसोसिएशन के सदस्यों ने प्रदेश अध्यक्ष राजाराम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री को संबोधित मांग पत्र जिलाधिकारी कार्यालय में ACM द्वितीय को दिया और बताया कि हम ग्राम प्रहरी चौकीदार को उत्तर प्रदेश राज्य विधि आयोग की सिफारिश लागू करने एवं राज्य कर्मचारी का दर्जा दिए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश सरकार से ग्राम प्रहरी चौकीदार गांव की सुरक्षा एवं भ्रष्टाचार रोकने का कार्य करते चले आ रहे हैं। आज़ादी के वर्षों बाद भी पुलिस एवं चौकीदार के वेतन में कुछ पैसों का अंतर था, लेकिन जमीन आसमान का अंतर हो गया है। चौकीदार गांव की सुरक्षा की अहम कड़ी है। सर, मेरा नाम राजाराम है। मैं ग्राम मेहतरपुर तेजा सिंह का रहने वाला हूँ, कोतवाली फरीदपुर पड़ती है। हम साहब अपने वेतन को लेके आए हैं। हमारा वेतन जो है वो भत्ते में दिया जाता है, जो 2500 रुपये है। उसका साहब आज के दौर में महंगाई में कोई वैल्यू नहीं है, जिससे हमारा गुजारा नहीं हो रहा है। हम उसको लेके आए, हम राज्य कर्मचारी का दर्जा सर मांग रहे हैं, जिससे हमारे बच्चे अच्छी तरीक़ा से पल सकें और हम इसमें रेगुलर ड्यूटी कर सकें। और क्या मांगे हैं? मांगे तो सर हमारी यही हैं, जो राज्य कर्मचारी की नियमावली में जो भी साहब चीज़ें मिलती हैं, जो सुविधा दी जाती है साहब, एरियर है, भत्ता है, और साहब जो अलग से जो चीज़ें दी जाती हैं, बहुत चीज़ें लागू कर दी जाएं, बस हमारी यही डिमांड है और कोई मांग नहीं है सर। आपके किस संस्था से नाम थे, किस नाम से? ये साहब चौकीदार वेलफेयर एसोसिएशन, ये ग्राम चौकी प्रहारी माता है। इसको भेजा मुख्यमंत्री के लिए आपने? साहब हाँ, DM साहब द्वारा हमने मुख्यमंत्री के लिए सर भेजा था। साहब बोले, क्या नाम है तुम्हारा? अनोखी लाल। कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम धोरेरा। कहाँ ड्यूटी कर रही है? ड्यूटी थाना नवाबगंज। मुख्यमंत्री जी से क्या मांग करते हैं आप? मांगे जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा था उसी के मिलते हुए राज कर्मचारी दर्जा, राज कर्मचारी में जो भी नियमावली के अनुसार जो भी चीज़ें हैं वो हमें सभी उपलब्ध होना चाहिए, और हमारे कार्य जो हैं जो करण लायक हैं वही हमसे थाने में लिए जाएं, क्योंकि मुंशी लोग जो हैं हम लोगों पर बहुत बड़ा दबाव डालते हैं, उल्टा सीधा शब्द करते हैं, जाति सूचक शब्द यूज करते हैं, और वो सुबह से लेकर शाम तक मतलब ड्यूटी लेते हैं। जब प्रेजेंट हम लगवाने को कहते हैं तो बोल कहते हैं कि हम नहीं लगाएंगे प्रेजेंट, बोल लगाएंगे। काफ़ी उल्टा सीधा शब्द आप पिछले ड्यूटी पर मेरे काफ़ी मुंशी से कहा सुनी हो चुकी है, और वो यहाँ तक कि वो मारने की स्थिति में थे। तो मैंने उनसे कहा ठीक है, मैं अपनी शिकायत लेकर आप बरेली पहुँच जाऊँ, और यही शिकायत जो है हमारी आप लोगों के सामने, और जितने लोग हैं सभी नवाबगंज थाने से हैं। कितनी सालों से ये समस्याएं आप सामने मांग कर रहे हैं प्रधान मुख्यमंत्री जी से? कितने वर्ष हो गए आपको? ये सन शायद 16-17 चल रहा है, लगातार मांग चल रही है। अभी तक कोई मांग नहीं? अखिलेश जी थे उस वक्त साहब, हम 2 महीना गोमती मैदान में लक्ष्मण मैदान में पड़े रहे थे, वहाँ तब भी नहीं सुना था, और अब बराबर ये सरकार चल रही है, इसमें हम दिल्ली भी हो आए और नखलऊ भी। अभी 20 जो रक्षाबंधन था हमारा, तो हम नखलऊ यूको गार्डन में गए थे, लगातार ज्ञापन दे रहे हैं। अभी तक मांग पूरी? कोई भी सुविधा हमारे संग में नहीं। और अभी जो है हमारा अगस्त का वेतन जो है इस महीने में आया, अगस्त सितंबर का वेतन जब आप लोगों को हमने ज्ञापन देने को कहा था तब वेतन हमारा पहुँचा है। हाँ, शिकायत आने पर ये वेतन 2-3 महीने में पहुँचा है।